नमस्कार, स्वागत है आपका तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क जिला संवाददाता सोनू पाठक के साथ। मैं बता दूं कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक ऐसी हरकत यहां कटारू पंचायत जिला मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के पारू थाना अंतर्गत कटारू पंचायत में जो हुई है, इससे साफ जाहिर होता है कि एक ऐसी नारा लगनी चाहिए कि बेटी मुआओ और प्रतिष्ठा बचाओ परिवार बचाओ। मैं बता दूं कि आज ये सामने जो एक बच्ची बैठी है ये करीब 12 साल की है और इसके साथ कुछ यहाँ के बाबू भैया कहे जाने वाले लोग, सामाजिक तत्व के लोग हैं जो इनके साथ दुष्कर्म करने की काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन ये बच्ची इतनी साहस में थी कि वहाँ से सभी को लाते मुक्के मार कर और वहाँ भागते भागते अपने जान बचाकर घर पहुँची है। जब इन्होंने थाने में मामला दर्ज कराने की प्रयास किया तो इनके ऊपर खुलेआम कहा गया कि पेट्रोल छिट के आग लगा देंगे। उसके बाद ये लोग थोड़ा सा भय में आए तो इन्हें कहा गया कि 3 कट्ठा जमीन ले लो, 2-3 लाख रुपया ले लो, मैंने काफी तरह से दबाना चाहता है और इन्हें इनकी हक जो है इनको दिलाने से लोग इनकार कर रहे हैं। तो आइए मैं पहले इनसे जानता हूं कि इनके साथ क्या हुआ था और कौन कौन वो व्यक्ति थे जो इनके साथ इस तरह की घटना घट रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू कुमारी है, मेरे पिता का नाम केवल महतो है, हम कटारू ग्राम पंचायत के रहने वाले आदमी है और हम जलमठमी का त्यौहार था तो हम पर्व किए थे तो अपने मतलब मंदिर में गए थे, झूलन होता है तो मेरे साथ वहाँ पे वो दारू पी के उधर ड्रामा कर रहे थे। क्या नाम था उसका, नाम बताइए। विक्रम सिंह उनका नाम है। हाँ। उनका पिता का नाम ललमोहन सिंह है, वो मेरे गांव के रहने वाले हैं तो दारू पी के उधर ड्रामा कर रहे थे। उसके बाद हम लोग मंदिर में बहुत आदमी से बैठे थे, वो मंदिर में ढुक गए और हम लोग उनसे अलग हट के बैठ गए और बैठने के बाद वो आए मेरे हाथ पकड़ के घींच के ले गए और घींच के ले जाने के बाद मेरा दुपट्टा घींचा गया, बॉडी पर हाथ धरा गया, इस पे हाथ धरा गया, छाती उती सब पे हाथ धरे वो और दुपट्टा उपट्टा घींचने लगे, छेड़खानी मेरे साथ करने लगे। उसके लिए हम चिल्लाए उलाए, बच्चे सब चिल्लाया तो बच्चे सब चिल्लाने के बाद हम औरत के झुंड में भागे तो वहाँ पे लोहारिन है वो मेरे को आँचल से छिपाई, आँचल परमेश्वर ठाकुर की पत्नी है वो मेरे को आंचल से छिपाई और उस वहाँ पे एक औरत थी जो विनय ठाकुर बहू है वो हमको बोलने लगी ये छिनरी है रंडी है, मतलब बहुत बहुत हमको गाली उली देने लगी और बोलने लगली कि ये पूजा अशुभ कर दी। तो हम तो कुछ किए नहीं थे तो हम क्या बोले उनको। फिर वहाँ पे मेरे को डर लग रहा था, हम रोते रोते उनके आंचल में छुपे हुए थे, वो आए और बोल रहे थे इसको मार देना है, मर्डर कर देना है, ये कर देना वो कर देना, हमको उतना दूर में खोजने लगे। उसमें औरत के झुंड में खोजा गया, बच्चा के झुंड में खोजा गया, जो पूजा पर बैठा था जितेश कुमार वो भी गाली दे रहा था, वो भी मेरे को बोल रहा था पप्पू सिंह बहू उनको मारी पीटी तो वो चुप हो गया। उसके बाद जब विक्रम सिंह मंदिर के उस पार गया, मंदिर के उस पार गया तो मेरे को विनय सिंह बहू हाथ पकड़ के धक्का मार के मंदिर से निकाल दिया गया। तो हम वहाँ से रोते हुए मंदिर पर से अपने घर भागा, घर भागने के बाद अपने मम्मी को बोले, मम्मी मेरी बोली उली। उसके बाद क्रम मतलब आदमी आया मंदिर पर से, मम्मी पूछी तो मेरा ही दोस्त लगाया गया। जब मेरा दोस्त लगाया गया तो यहाँ पे फिर विक्रम सिंह आए, फिर मेरे गाल उल पकड़ने लगे, मम्मी उम्मी के सामने में मेरे गाल उल पकड़ने लगे तो फिर हाथ हटाए और वहाँ से दूर हट गए। और दूर हटने के बाद वो मेरे को धमकी देने लगे कि कोई भी बात बताया गया गांव में तो मेरे घर में पेट्रोल लगा के आग लगा देंगे। तो उसके बाद मेरे को धमकी दिया गया कि अभी 500 रुपया लो, चिकन मीट चावल जो है खाओ पियो ऐश करो, तुम्हारे घर के पीछे विनय ठाकुर के घर के पीछे जो 3 कट्ठा जमीन है से तुम्हारे नाम कर देंगे और जमीन ज्यादा जो है से वो कर देंगे, उसके बाद तुम्हारे जो शादी में खर्चा होगा से हम देंगे, वो हमको इतना बोले। और उसके बाद गांव में सुन रहे हैं ज़्यादा मेरा हल्ला हो रहा है और वो रात को ऐसे बोले, अब बोल रहे हैं कि हम उनको धक्का दिए, हम उनके साथ जबरदस्ती किए हैं। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? मेरे परिवार में 6 आदमी हैं। मम्मी पापा और 3 बहन 1 भाई। सबको जान से मारने की धमकी दी? जी, सबके जान से धमकी दी है। और मेरे घर में एक मतलब अंकल जी रहते हैं, बड़े पापा यहाँ पे और अंकल जी है नहीं तो उनको भी धमकी मिला है कि कुछ भी करेंगे मेरे साथ तो उनको भी मार दिया जाएगा। तो आप देख सकते थे एक 12 साल की बच्ची के साथ इतनी
गंदी हरकत किया गया और जब इस हरकत को थाने तक ले जाने की बात पहुंच रही है तो खुलेआम धमकी दिया जा रहा है कि पेट्रोल छिट के आग लगा देंगे। ये कहां की कानूनी व्यवस्था है? मैं जानना चाहता हूं, अगर इस पे अविलंब कार्रवाई नहीं हुई तो कुछ ही दिन बाद मैं इस देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आपके नारा जो लगी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत जल्द ये नारा लगने वाली है कि बेटी मिमाओ और परिवार बचाओ और इज्जत बचाओ। लेकिन इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं यहां के प्रशासन से और यहां के जो कानून व्यवस्था उनसे उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इस बच्ची को अविलंब उनको कार्रवाई इस पे किया जाए और इसे न्याय दिया जाए। धन्यवाद।